पंजाबी गायक खान साहब की जन्मदिन की पार्टी। कोरोना प्रोटोकॉल्स की उड़ रही है सरेआम धज्जियां, ना मास्क दिख रहे हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। क्या मुख्यमंत्री के आदेशों से ऊपर हो गए खान साहब? डीसी के आदेशों को भी नहीं मानते ये पंजाबी सिंगर। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ प्रोटोकॉल से पंजाब सरकार ने जारी किए थे, जिसके तहत किसी भी समागम में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं किसी भी समागम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीते दिन हुए पंजाबी सिंगर खान साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ चाहने वालों ने ढोल और बैंड बाजों का इंतजाम कर खान साहब के घर पहुंचे और उसकी जन्मदिन की पार्टी धूमधाम से मनानी शुरू की। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे समागम में ना ही मास्क दिख रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना किसी को कोरोना महामारी की परवाह है। लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके साथ खुद पंजाबी सिंगर, जो कि पंजाब सरकार के साथ मिलकर लोगों को कोरोना महामारी के लिए गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए उकसाते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से खुद ही वह अपने चाहने वालों के साथ मिलकर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नाचते हुए अपनी जन्मदिन की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, क्योंकि पंजाब में खान साहब के कई चाहने वाले हैं और लगातार ये वीडियो शेयर भी की जा रही है। आपको बता दें, ये हम वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पंजाबी सिंगर खान साहब और अन्य पंजाबी सिंगर लगातार पंजाब सरकार के साथ मिलकर लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते हुए नजर आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना भी कई बार वह लोगों को सिखा चुके हैं, मगर जब खुद के जन्मदिन के पार्टी पर इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है तो लोग कहीं ना कहीं इनको अपना आदर्श मानते हुए इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे। अब सिर्फ यही देखना है कि पंजाब सरकार और फगवाड़ा के प्रशासन किस तरीके से इस पूरे माहौल के वीडियो वायरल को देखकर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या इनके ऊपर भी FIR दर्ज की जाएगी। देखिए पूरी वीडियो। फगवाड़ा से सुखविंदर बग्गा की पूरी रिपोर्ट।